तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिप के न्यू व्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे, सो गाइस आ गए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग व्लॉग के साथ में। और गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कार में व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं और आयशा जा रहे देखते हैं ना। और गाइस गाड़ी आसमान में चल रही है, सॉरी। तो गाइस यहां पर अभिनेश भाई और उनकी वाइफ भी, हम जा रहे हैं डुओ डेट पे। हम लोग दोनों जो घर के हम लोग कपल है, हम लोग जा रहे हैं साथ में मिलके एक अच्छा डिनर पे ना, देखते ऐसे हम लोग थोड़ा घूमने निकले। वी आर हैविंग सम अ गुड टाइम, है ना। हाइपर भी माशाल्लाह काफी टाइम से मैं काशिप को बोलती लेके चलो, तो चलो फाइनली हम जा रहे हैं। अब बाल कट गए ना हाइपर, तो सब होगा, सब अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब आएगी। वो बाल में मेरे नेगेटिव वाइब आ रही थी। तो ब्रो, तो मैं जिद करी थी बाल कटाओ। ब्रो यू आर एक्साइटेड और नॉट? और ये अभी तलक की सातवीं आइसक्रीम जा रही है कॉर्नेटो की। अवरेश भाई चलो, रेडी है ना? हाँ भाई चलो चलो चलते। सो गाइस मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि काशिफ से ये पूछो, काशिफ कितने टाइम के बाद हम डेट पे जा रहे हैं और कब लास्ट टाइम तुम मुझे डेट पे लेके गए थे? लास्ट हम डेट पे गए थे लाइक कहाँ गए थे? कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। हाँ तो गाइस कभी मुझे काशिप मूवी दिखाने भी नहीं लेके गए, वो तो हम लोग मुंजिया चले गए थे। मूवी दिखाने भी नहीं लेके गए काशिप, कभी नहीं लेके गए मुंजिया। मैं फोर्स कर रही थी। हाँ मेरे को तो मतलब डर लग रहा था वो भूत की मूवी बोल के। सो अनरोमांटिक काशिप का रिएक्शन तो देख। मैं लिटरली शॉक हुआ इसकी ये बातों से। मैं मूवी के लिए बोलूं काशिप पीटो नहीं, कभी नहीं, इसलिए तुमको माफ किया। क्या झूठ बोलते हो? और लास्ट हम डेट पे कहाँ गए थे तुमको पता है? बताओ। खाना खाने जो गए थे बताओ। टाउन में काशिफ कब गए थे? शादी के टाइम पे? शादी नहीं, हम कुछ काम से गए थे तो वहाँ चले गए थे, वो डेट नहीं थी हमारी। अच्छा सेंट्रल होटल में जो मैंने तुमको सूप पिलाया था, जब वो डेट नहीं थी मतलब हम भाभी सुनो ना, आप बताओ कि डेट की डेफिनेशन क्या है काशिफ को? डेट की डेफिनेशन ये है कि शाम में आप आपकी वाइफ को बोले चल तैयार हो, हम कुछ खा के आते हैं। हाँ चलो कब लेकर गए? सो सॉरी गाइज मैं भूल गया कैमरा चालू करना, अब से इंशाल्लाह कैमरा चालू रहेगा क्योंकि हाइफा झूठ बोल रही। अल्लाह गाइज मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती हूँ जिंदगी में, कभी पैदा ही बार अच्छे दिख रहे। तारीफ समझू ये क्या समझू, कभी अच्छे दिखे ही नहीं। नहीं बड़े बाल थे ना भाभी, आज हाइफा से अच्छे लगे आप? अच्छा सेम मेरा आदमी जैसे। अच्छा गाइज अब बहुत ज्यादा तारीफें हो रही है, वो बाल कटा लिए ना। और अब ये तारीफ और भाभी मेरी मम्मी भी बोले बहुत अच्छा दिख रहा है। थैंक यू मम्मी। लेकिन मसला भी यहाँ पर ये हो रहा है कि अब ये तारीफ थोड़ी थोड़ी चुभने लग रही है कि इतने साल से इन लोग सब एडजस्ट कर रहे थे मुझे। साल भर हो गया गाइस, ये सच नहीं बोलना था। गाइस काशिफ का ऐसा है कि नहीं मैं बाल नहीं कटाऊंगा, और बाल जब से काशिफ ने कटाए माशाल्लाह अच्छे तो लग ही रहे हैं, हैंडसम भी लग रहे हैं पहले से पैदाइशी था। लेकिन गाइस मस्त काशिफ तैयार हो के अपने आप को एकदम मतलब ये रख रहे हैं, 17 साल नहीं काशिफ एकदम टिप टॉप रख रहे हैं गाइस काशिफ। अम्मी जब काशिफ भाई को देखे, अम्मी बोलते काशिफ ने सच्ची में बाल कटाया? मैं बोली हाँ मम्मी सच्ची में कटाया। बोले नहीं नहीं अभी ना लड़का अच्छा दिख रहा है, अभी ना तुम लोग के भाई लोग में ना मिल गया है, अभी लड़का दिख रहा है। ये था मुझे ना लाइक नहीं नहीं मुझे बड़े नहीं, इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स एंड बहुत सारे ये भी आते थे लाइक कॉम्प्लीमेंट में, क्या भाई तू गुंडा दिखता है। हाँ। कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये काशी, नहीं नहीं तू गुंडा दिखता है एज अ कॉम्प्लीमेंट सामने वाले, बहुत तेरी एकदम विलन पर्सनालिटी दिखती है, तू गुंडा दिखता है। हाँ अ काइंड ऑफ दैट ओनली। ओके क्या गुंडा दिखता है भाई एकदम, ये भाई वो संजू बाबा ने ऑल, और मुझे ऐसा सुकून मिल रहा है ना बाल बिल कटाने के बाद, अच्छा लग रहा है। आए थे जो होटल में वहाँ पे जगह ही नहीं है, 20 मिनट्स वेटिंग बता रही है। अब दूसरे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं कि क्या खाएंगे।
तो गाइस हम लोग डिनर के लिए बैठ गए हैं और आज हम एक न्यू होटल का एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्यूजीन का, और हम आए हैं यहाँ पर और इसका मेन्यू कार्ड हम खोले हैं। तो भाई आप खाएंगे कलरी जर्नी अनरिवील फ्रॉम लखनऊ हार्ट टू बॉम्बे, द मेन्यू एट द बॉम्बे डाइनर इज लव लेटर टू रिच। इतना लंबा पढ़ के ऑर्डर देना है, इतना बड़ा इसमें लिखा हुआ है, खाने का डिस्क्रिप्शन लिखा, मेरे को लग रहा है रेसिपी भी लिखी हुई है। असल में है ना, इन लोग का जो लाइक एम है कस्टमर को लेके और जो लोग की लेगेसी है ना, उन लोग ने पूरा लिखे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा मेनू। तो भाई तुम क्या खाएंगे? मुगलाई? नहीं 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 नहीं, खाना प्रॉपर। क्या बोले बेबा? ये देखो हमारा दे दिया ना, तू मेरा सबका दे दिया। हेलो, ये मेन्यू क्यों खोले हम लोग? हमने मंगाए रहेगा कांदा और टाइम पास, अब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ क्योंकि बिल देने का मतलब है कि इनको अपने आदमी का पैसा बचाना है। नहीं काशिफ भाई, काशिफ भाई अच्छे दिख रहे, इतनी तारीफ की वो तो कवर हो, बचाना है मेरे को, मेरे आदमी का पैसा बचाना है। बोल रहे तुमसे बचे तो मैं बचाऊ, लेकिन ये आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, ठीक है? लेकिन ये पैसा तो अभी काशी पर भर रहा है, ऐसे तो ये टॉस उड़ना चाहिए भाई यार। ठीक है चलो, ये चीज में भी टॉस उड़ा लेंगे, टॉस उड़ा देंगे, देखते हैं हार या जीत वाली। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हां मेरे भाई हो तुम, मेरे भाई मानू तुमको और तुम्हारे इम्तियाज भाई का, छोटा भाई कुछ तो खिलाए छोटी बहन को। तो गाइस अभी अभी हम लोग का बैठने की जगह अपग्रेड हुई है, क्योंकि मैंने भाई से बात किया हुआ था, भाई ने बोले थे जल्दी आपका ऑर्डर आप प्लेस करो, मैं अंदर का अरेंजमेंट करा रहा हूँ। चलो अंदर चलो, एक्स्ट्रा चार्ज लोगे कार्ड साथ में लेके चलो। सो गाइस हम लोग अंदर आ गए, यहाँ पे तो वहाँ बाहर भी बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पीछे एकदम स्लोली म्यूजिक वो बज रही है। तो गाइस पहले हम लोग बाहर थे तो काशिफ मेन्यू डिसाइड कर रहे थे ऑर्डर होने के बावजूद, अभी यहाँ पे आके अंदर भी काशिफ मेन्यू डिसाइड करे। काशिफ, हाँ काशिफ, तुमको सूप नहीं पीना है? ये स्टार्टर्स ऑर्डर हो गया, मेन कोर्स ऑर्डर कर रहा हूँ, तुमने देखा नहीं? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे? हाँ काशिफ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे? तो गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हाँ काशिफ मुझे डेट पे लेके गए एक बार, वो भी वो कैंडल लाइट डिनर। गाइज कैंडल लाइट डिनर काशिफ लेके गए थे, सही बोल रही हूँ ना? सॉरी काशिफ, सॉरी गलती हो गई, मैं भूल गई थी। गाइज आज के बाद है ना हर छोटी बड़ी चीज़ का ना वीडियो। चलो अच्छी बात है, बना के आप लोग के साथ में शेयर करेगी, है ना काशिफ? नहीं गाइस, पर्सनल में रघु का कभी ऐसा रहेगा ना तो एक्सपोज करने काम आएगा। चलो ठीक है। सो गाइस हमारे सूप आ गए हैं सबके, थैंक यू। ये चलो खाते हैं और बताते हैं कि कैसा टेस्ट है, क्या है। और गाइस फाइनली वो तरफ दिख रहा था, और अब अमरेश भाई की औरत अमरेश भाई से गुस्सा हो गई है कोई छोटी चीज में, तो वहाँ दिखा जाए कैमरा क्या हुआ। काफी मस्ती कर रहे हैं। नहीं, यस नहीं, ये अमरेश भाई नहीं। सो गाइस ये तो छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, इसी से प्यार बढ़ता है गाइस, बढ़ता है, इसलिए तो आप इतना प्यार करते हैं भाई को। सो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, जिसके आप लोग ने देखे कल हम गए थे, बहुत मजे किए हम लोग, बहुत मस्ती किए, लेकिन फिर थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो हम आ गए, वहाँ से निकल गए। ज़्यादा कुछ हम शूट नहीं कर पाए, खाना खाते खाते वॉमिटिंग ये वो थोड़ा होने लग गया, तो भाई और काशिफ थोड़ा टेंशन लेने लग गए, भाभी लोग तो बोले चलो चलो जाते हैं घर, के हाइफा की तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए ये वो। तो भाभी हम लोग सब लोग घर आ गए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसका, काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे बाहर निकले हैं, और ऐसा था कि ब्लॉग का एंड नहीं लिए तो मैं बोली कि आप लोग को भी मैं बता दूं, ब्लॉग का एंड कर दूं ताकि आप लोग के साथ में वो व्लॉग्स मैं शेयर कर पाऊँ। गाइस सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आई, जितना भी टाइम हम बाहर थे, ज़्यादा टाइम तो थे नहीं लेकिन जितना भी थे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। बस
इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट कब होगी देखते हैं। तो चलो गाइस इसी के साथ हम व्लॉग यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।